संजौली में हुए मस्जिद विवाद के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में संघर्ष हुआ और उसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जिसके विरोध में और संजौली के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आज राजधानी शिमला में बंद रखा गया है। व्यापार मंडल शिमला की तरफ से करीब 1 बजे तक पूरे शहर में दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है और आप तस्वीरें भी यहाँ राजधानी शिमला में देख सकते हैं। तमाम दुकानें बंद हैं। अब जो दुकानें खुल भी रही हैं, हाफ शटर हैं, वो सिर्फ मेंटेनेंस और साफ़ सफाई के लिए खुल रही हैं। तो निर्णय व्यापार मंडल की तरफ से लिया गया है कि करीब 1 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी और 11 बजे रोष रैली भी निकाली जाएगी। जिस तरह से हिमाचल पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार किया गया, उसका विरोध यहाँ प्रदर्शनकारी जता रहे हैं और इसी प्रकार के विरोध प्रदेश के अलग अलग जगह से भी सुनने में आ रहे हैं। मंडी और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी आज विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं। लेकिन फिलहाल राजधानी शिमला का ऐतिहासिक मॉल रोड आप देख रहे हैं, यहाँ दुकानें बंद हैं। लोअर बाज़ार में दुकानें बंद हैं और यह आह्वान किया गया है व्यापार मंडल शिमला की तरफ से। संजौली विवाद में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में व्यापार मंडल उतरा हुआ है। संजौली में हुए मस्जिद विवाद के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में संघर्ष हुआ और उसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जिसके विरोध में और संजौली के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आज राजधानी शिमला में बंद रखा गया है। व्यापार मंडल शिमला की तरफ से करीब 1 बजे तक पूरे शहर में दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है और आप तस्वीरें भी यहाँ राजधानी शिमला में देख सकते हैं। तमाम दुकानें बंद हैं। अब जो दुकानें खुल भी रही हैं, हाफ शटर हैं, वो सिर्फ मेंटेनेंस और साफ़ सफाई के लिए खुल रही हैं। तो निर्णय व्यापार मंडल की तरफ से लिया गया है कि करीब 1 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी और 11 बजे रोष रैली भी निकाली जाएगी। जिस तरह से हिमाचल पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार किया गया, उसका विरोध यहाँ प्रदर्शनकारी जता रहे हैं और इसी प्रकार के विरोध प्रदेश के अलग अलग जगह से भी सुनने में आ रहे हैं। मंडी और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी आज विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं। लेकिन फिलहाल राजधानी शिमला का ऐतिहासिक मॉल रोड आप देख रहे हैं, यहाँ दुकानें बंद हैं। लोअर बाज़ार में दुकानें बंद हैं और यह आह्वान किया गया है व्यापार मंडल शिमला की तरफ से। संजौली विवाद में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में व्यापार मंडल उतरा हुआ है। संजौली में हुए मस्जिद विवाद के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों में संघर्ष हुआ और उसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जिसके विरोध में और संजौली के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आज राजधानी शिमला में बंद रखा गया है। व्यापार मंडल शिमला की तरफ से करीब 1 बजे तक पूरे शहर में दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है और आप तस्वीरें भी यहाँ राजधानी शिमला में देख सकते हैं। तमाम दुकानें बंद हैं। अब जो दुकानें खुल भी रही हैं, हाफ शटर हैं, वो सिर्फ मेंटेनेंस और साफ़ सफाई के लिए खुल रही हैं। तो निर्णय व्यापार मंडल की तरफ से लिया गया है कि करीब 1 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी और 11 बजे रोष रैली भी निकाली जाएगी। जिस तरह से हिमाचल पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों के साथ व्यवहार किया गया, उसका विरोध यहाँ प्रदर्शनकारी जता रहे हैं और इसी प्रकार के विरोध प्रदेश के अलग अलग जगह से भी सुनने में आ रहे हैं। मंडी और इसके आसपास के क्षेत्रों में भी आज विरोध प्रदर्शन की खबरें हैं। लेकिन फिलहाल राजधानी शिमला का ऐतिहासिक मॉल रोड आप देख रहे हैं, यहाँ दुकानें बंद हैं। लोअर बाज़ार में दुकानें बंद हैं और यह आह्वान किया गया है व्यापार मंडल शिमला की तरफ से। संजौली विवाद में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में व्यापार मंडल उतरा हुआ है।